तो दोस्तों सूरत में अगर आप आते हैं और अंडा नहीं खाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं। और अंडे में भी यहाँ पे ये देखिए वैरायटी इतनी सारी मिल जाती है। और ये रेशम रोटी जो है ये अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा बनाकर दिखाने के लिए। भाई आपका नाम क्या है? धर्मेश भाई। धर्मेश भाई, धर्मेश भाई कितने साल का कुकिंग एक्सपीरियंस है आपका? 8 साल। 8 साल का। और ये हम कहाँ पे हैं सूरत में? ये एग्जैक्टली सूरत में उतना में है। उतना में हाँ, देख सकते हैं आप, उतना है। हाँ उधना में, उधना नहर जी। और अब हम रेशम रोटी बना रहे हैं ना, रोटी और सब सब आने वाले स्पेशल है यार। हाँ रोटी नहीं आएगी लेकिन ये उसका नाम ही है रेशम रोटी। हाँ रेशम रोटी में कितने अंडे जाएंगे? एक ही, जितने अंडे की बनाओ उतने अंडे की बन जाएगी। तो ये क्या मसाले जा रहे हैं अपना? अदरक लहसुन मिर्ची का गया है, नमक, धनिया पाउडर, सूरत में लोग अंडा बहुत पसंद करते हैं। मैं देखता हूँ जगह जगह पे वो बहुत के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, हर तरह के मिलेंगे। पर ये रेशम रोटी हाँ। और अपने अब धर्मेश भाई बोल रहे कि कहीं नहीं मिलेगी ये, सिर्फ आपको यहाँ पे स्पेशल मिलने वाली हाँ। है अब क्या बोल रहे हैं आप? ये प्योर अमूल बटर में ही बनेगा। प्योर बोल लीजिए या प्यार बोल लीजिए, एक ही है, सूरत का प्यार है। वो चलेगा ही नहीं उसके ऊपर। हाँ संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, रोज खाओ अंडे। अपना एक अपनी लारी स्पेशल है अंडे की घारी। अंडे की घारी? अंडे की घारी। अच्छा अंडे की घारी, मेरी घारी बम्बई तक जा रही है। अच्छा पार्सल पार्सल जाता है मुंबई? पार्सल मुंबई। चलो वो भी देखते कैसे बनाएंगे। पहले ये अभी इसके ऊपर ये प्यूरी है, टमाटो प्यूरी है। आपके इसको कितना हो गया टाइम? ये बना दे आपकी शॉप को? 8 साल के ऊपर। 8 साल दे दिया है ये अमूल चीज, इसका एकदम टेस्ट है ना यूनिक हो जाएगा। जितना मैं देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ यहाँ पे तो मेरे को लगता नहीं टमाटर सॉस की भी जरूरत पड़ेगी आपने। नहीं ये अपने बम्बई में चलती है ना टमाटर सॉस, यहाँ नहीं चलती है। रेडी भी हुई है बटर मीडियम सीखा अभी? हाँ जैसे आप बनाते ये अभी इसके ऊपर अब मसाले का अभी यहाँ के लोग भी ज़्यादा तेल ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते। अच्छा बटर में ही? नहीं नहीं बटर ही ऐसे थी मतलब में कम ऑयल वाला सब ज़्यादा पसंद करते। गार्लिक बहुत यूज़ करते हैं फिर हाँ खाने में? ये तो कुछ नहीं, पूरा गार्लिक वाला बनता है, पूरा टोटल कुछ नहीं, सिर्फ गार्लिक वाला ऑमलेट गार्लिक ही। हमने अंडा बनाया था ये अब ग्रेवी पर जाएगा? हाँ ग्रेवी पर जाएगा, ये हल्का ग्रेवी है। ये भी पावों के साथ मिलने वाला? हाँ कितने पाव? 3 पाव आ जाते हैं? हाँ 3 पाव जो चाहिए। इस पे भी अब आ गया चीज़। टू वॉच है। अच्छा इसको सर्विंग का भी एक तरीका है, कांदा टमाटर ये मसाला और तैयार रेडी हो गया। ये कितने तक का आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा 100 रुपये। 100 रुपये का? हाँ 100 रुपये में आपको यहाँ पे 3 पाव मिल गए। हाँ सैलेड आ गया और ये चीज़ भर भर के आपको मस्त ऑमलेट आ गया। थैंक यू। आपने क्या खाया था अभी?
वो बाइक क्या था? कीमा। कीमा कैसा था? अच्छा था। पहली बार खा रहे हो? हाँ, इनके वहाँ पहली बार खा रहे। मजा आया? फुल पैसा वसूल? फुल पैसा। थैंक यू, थैंक यू। सो सूरत का जो स्ट्रीट फूड कल्चर है ना, वो एक्चुअली डोमिनेट करता है एग। हर जगह पे, हर कदम पे आपको एग के यहाँ पर ऐसे स्टॉल्स मिल जाएंगे और शॉप्स मिल जाएंगी। पर यहाँ पर जो धर्मेश भाई के हैं, साखी ऑमलेट सेंटर 8 साल से है, यहाँ पर मैंने अब ऑर्डर किया है रेशम रोटी। तो एकदम ही रेशम रेशम है और एकदम ही सुपर्ब है। और चलिए अब इसका स्वाद कैसा है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो खाने के टाइम भी आपको रेशम ही लगे, रेशम ही लगे, लगेगा 100% रेशम लगने वाला है। आ करिए, चलिए मैं खा लेता हूँ। पूरा बम्बई घूम लो बॉस, इतना रिफ्रेशिंग है मैं आपको बता दूँ। पहले तो आपको गार्लिक का टेस्ट बहुत इसमें आ रहा है, उसके बाद आपने जो टमाटर की हरकत की है ना इसमें, तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। टमाटर प्यूरी का भी आपका टेस्ट आ रहा है और आपके मसालों का फ्लेवर, हर मतलब अलग अलग फ्लेवर आ रहे हैं, सारे फ्लेवर अलग अलग आ रहे हैं। मतलब पाव के साथ नहीं भी इसको ऐसे ही खाने वालों। यहाँ पे रख देता हूँ पहले आराम से। एंड धर्मेश भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं ऐसे ही बस जा रहा था और जाते जाते मैं रुक गया, और यहाँ पर रुक के मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि रेसिपी शेयर कर लो, और इन्होंने खुशी खुशी शेयर भी कर ली अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ में। आ करिए एक और बाइट पाव के साथ, देखते कैसे। बट बहुत रेशम, एकदम रेशम, मतलब एकदम मुंह में मेल्ट हो रहा है यार। मज़ेदार है। हर बार जब भी आओ, जब आपको खाने का दिल करे ये, एक्चुअली आप एक बार खा लोगे ना, जब भी आओगे आपको खाने का दिल करेगा। एड्रेस क्या है ये? ये एड्रेस है उतना नहर रोकड़िया हनुमान। आपका नंबर डाल दो स्क्रीन पर, लोग फ़ोन करके आएंगे। लोकेशन भी डाल रहा हूँ मैं और नंबर भी इनका डाल रहा हूँ स्क्रीन पे, आप ज़रूर आइए। और ये तो मैं पूरा ख़त्म करूँगा, ये मैं शेयर भी ना करूँ किसी के साथ में। ये एकदम मतलब किसी को चबाने का तकलीफ है, बड़े बुजुर्ग को मेल्ट हो जाएगा। बहुत सुपर है, मज़ेदार है, मज़ा आ गया। सूरत का मतलब पैसा वसूल। धर्मेश भाई के वहाँ पे इनके हाथ का ही खाना है आपको, और डेफिनेटली ट्राई करना। और मैं तो अब आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, आपने कहा कौन सा एक स्पेशल है आपका? अंडे की गारी लोचा। अंडे की गारी लोचा, वो भी मैं कवर करूँगा अगर आप कमेंट करोगे तो। ज़रूर कमेंट करिए, देन आई विल कवर इज अंडे की गारी लोचा ऑल्सो। कीप वॉचिंग माई काइंड ऑफ प्रोडक्शन, मीन वाइल फिनिश दिस वन। बहुत बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। ये इसको जस्ट ऐसे आप प्रेस करोगे, अंदर से टमाटर बाहर निकलोगे। सूप एकदम रेशम मुलायम। ये देखो रास्ते पर बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ होता है।